सो गाइस, टाटा की नेक्सॉन कार मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है कार। सिर्फ जो लेफ़्ट साइड है वो सिर्फ बची है, बाकी पीछे से साइड से और फ्रंट का जो लेफ़्ट वाला व्हील है वो भी पूरा डैमेज हो चुका है। रूफ़ की बात करूँ तो आप देख सकते हो पूरी डैमेज है। अब मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ। ये कार डिवाइडर से टकराने के बाद उसके बाद ये फ्लिप होके काफ़ी इसमें पलटी लगी है गाड़ी की में और उसके बाद ये कार डैमेज हुई है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो जो लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल क्लियर है, जो रूफ़ है इसकी पूरी दब चुकी है और जो राइट साइड है वो भी पूरा डैमेज है। एयरबैग्स जो हैं वो भी इसके बाहर आ चुके हैं, टायर्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सो टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है बेसिकली मैं आपको अभी वो दिखा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी टाटा की बिल्ड क्वालिटी है। अगर अभी तक मारुति की कोई और कार होती तो शायद वो बिल्कुल ही फ्लैट हो चुकी होती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लिप्स हुई है ये कार। आप देख सकते हो जो टायर है राइट वाला वो भी पूरा डैमेज हो चुका है, एक्सल तक इसका टूट चुका है। नीचे की साइड से जो एक्सल है वो पूरा ब्रेक हो चुका है, फ्रंट में और कोई भी डैमेज नहीं है। विंडशील्ड जो पूरी ब्रेक हो चुकी है। अभी मैं आपको इसके अंदर से व्यू दिखा देता हूँ। बिल्कुल नई कार है ये, 1500 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ, और आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा डैमेज हो चुकी है अभी कार। एयरबैग्स तक इसके बाहर आ चुके हैं दोनों ही साइड, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड से इसके एयरबैग्स बाहर आ चुके हैं। विंडशील्ड भी पूरी ब्रेक हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ, इसकी बाहर से ओवरऑल क्या इसके लुक है। जो ORVMs है वो भी इसके बिल्कुल टूट चुके हैं। टॉप मॉडल कार है ये टाटा की नेक्सॉन, जो कि आप अभी देख सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो जो लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल वो ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टाटा की बिल्ड और आपका इस कार को देखने के बाद क्या कहना है कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी आपको बेटर लगी या नहीं लगी। बेसिकली मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।